हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पायर विद अनुष्का। गाइस हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। गाइस एक्चुअली वी आर ऑन द वे टू डिस्कस अबाउट दी फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स एंड विच वी हैव प्रीवियसली डिस्कस अबाउट द शेल्टर मैनेजमेंट एंड देयर फीडिंग मैनेजमेंट, दैट व्हाट टाइप ऑफ शेल्टर प्रिविलेजेस एंड व्हाट टाइप ऑफ फीडिंग प्रिविलेजेस वी हैव टू बी मेंटेन्ड और मैनेज फॉर द डोमेस्टिक एनिमल्स विच वी रेयर्स for the high yields of the product provided by them. So now in this video today we are going to discuss about the disease of the cattle, that what are the different types of the disease the cattle have and their symptoms. Also we are also going to discuss about their symptoms, that how can you detect that the animal is suffering from any different type of disease. We are also going to discuss about the different types of disease which occurs inside the animals and the prevention and controlling methods also. So today video is going to be very essential and important for you all, just to know about the different things related to the disease of the cattle. If you are rearing a cattle, if you are a farmer, and even though if you have any different types of animals, pet animals, then also you have to know about all this type of and different diseases. So guys, animals are susceptible to the various diseases caused by the virus, bacteria, fungi and the pests. So health state of the animal is must to be obtained food, healthy food and work from them. So beside the animal's meat or milk may get the contaminated by the disease causing organism. Ji haan guys, अगर आपका एनिमल कंटामिनेटेड है, उसका कोई भी बाय प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो मे बी कि आप भी उससे कंटामिनेट हो सकते हो, आप भी उससे डिजीज उसमें उससे आप में भी ट्रांसफ़र हो सकता है. ओके गाइज, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज्ड एनिमल, दैट हाउ कैन यू डिटेक्ट दैट योर एनिमल इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज. सो अ हेल्दी एनिमल इज रिकोगनाइज बाई द रेगुलर फीडिंग. एक अच्छा हेल्दी अगर एनिमल है तो उसमें फीडिंग का जो उसका प्रोसेस है नॉर्मल है, या फिर उसका खड़े होने का बैठने का पोस्चर नॉर्मल होगा, या फिर उसकी बॉडी टेम्परेचर जो होगी वो जैसे नॉर्मली रहती है वैसे रहेगी, और नॉर्मल पल्स रेट होगा, रेस्पिरेशन रेट जो होगा वो सब कुछ उसके नॉर्मल्स होंगे. और सिक एनिमल्स के पास जो जो सिम्टम्स होंगे वो आप देख लो कौन कौन से होंगे. सो एनिमल्स स्टॉप ईटिंग एंड बिकम लिथार्जिक, खाना बंद कर देता है और थोड़ा सा सुस्त टाइप का हो जाता है, थोड़ा लेजी हो जाता है. Looks tired and remains isolated, हमेशा थका थका सा रहेगा और अपने एनिमल्स के ग्रुप में से वो हमेशा आइसोलेटेड रहेगा, अलग रहना पसंद करेगा. सो द एनिमल्स सीवर्स विथ हाई बॉडी टेम्परेचर, और कभी कभी उनमें उनके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से कहीं ज़्यादा अधिक होता है, जिसके कारण कि उन्हें सीवरिंग होती है, ठंड सी लगती, मतलब ज़्यादा तेज़ उनका टेम्परेचर हाई होता है इस वजह से. सो द एनिमल्स सो द एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ सलाइवा विच समटाइम्स हैंग्स फ्रॉम द माउथ ऑल्सो. क्या होगा अगर आपका एनिमल जो है, पेट एनिमल जो है वो सफ़र कर रहा है किसी डिजीज से, तो उसके मुंह में सलाइवा का फॉर्मेशन जो होगा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा. और देन आफ्टर समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वो इतना ज़्यादा इतना एक्सेस अमाउंट में होता है कि उसे माउथ में स्टोर करना मुश्किल होता है. सो एनिमल्स के माउथ से वो ऊज आउट होते रहता है, बाहर निकलते रहता है. ओके, सो समटाइम्स उनके आइज रेड हो जाएंगे, उसके बाद एनिमल्स का स्किन का जो कलर है वो भी चेंज हो सकता है, या फिर स्किन पे किसी अदर तरह के चीज़ें आपको दिख सकती हैं. द एनिमल पजेस द लूज डंग्स एंड द कलर्ड यूरिन, उनके यूरिन का कलर जो है वो चेंज हो जाता है, उनके काउडंग्स जो निकलते हैं वो लूज होंगे, काउडंग्स या फिर बफेलो डंग्स कुछ भी हो. एंड द लिप्स एंड द ईयर्स ऑफ द एनिमल्स ड्रूप, वो लटक जाते हैं नीचे की तरफ. और मिल्क येल्ड, एग लेइंग कैपेसिटी और द वॉकिंग कैपेसिटी ऑफ द एनिमल विच यू आर रेयरिंग इज इफ सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज, देन इट्स कैपेसिटी, वॉकिंग कैपेसिटी, एग लेइंग कैपेसिटी, मिल्क येल्डिंग कैपेसिटी विल रिड्यूस्ड. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम्स बाय विच यू कैन डिटेक्ट दैट योर एनिमल इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज और नॉट. Now the next topic is the disease, that what different types of disease are caused in the pet animals or the animals which we rear.
सो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेज डैट आर द फर्स्ट वन इज द पैरासिटिक, सेकेंड वन इज द इन्फेक्शियस एंड द थर्ड वन इज द नॉन इन्फेक्शियस. दीज थ्री टाइप्स ऑफ डिजीज अकर्स इन द पेट एनिमल्स और द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स. सो द पैरासिटिक्स ऑफ द कैटल्स मे हैव द एक्सटर्नल पैरासिटिक और द इंटरनल. इन द एक्सटर्नल गाइज वाट कम्स द लिविंग और द स्किन कॉजिंग स्किन डिजीज कॉजिंग एनिमल्स विच आर ऑन द आउटर बॉडी सर्फेस ऑफ द एनिमल इज नोन एज द पैरासिटिक एनिमल्स. दैट्स मीन एक्सटर्नल पैरासिटिक एनिमल्स गाइज. एंड इंटरनल पैरासिटिक एनिमल्स सच लाइक द वर्म्स विच अफेक्ट्स द स्टोमच इंटेस्टाइन जस्ट लाइक द लीवर फ्लूक विच अफेक्ट्स द लीवर. And these are different types of animals which lies inside the body and affects them that are called internal parasitic animals. Second one is the infectious as a different disease जो कि किसी के contact में आने से किसी animal group के touch में आने से फैल सकता है spread हो सकता है that are called the infectious and non-infectious जो कि नहीं फैल सकता बस permanent disease हो. ठीक. So the disease of the dairy animals and their causes of the organism are some of them we I'm going to now discuss. The first one is the virus. By the virus the foot and the mouth disease occurs in the animals and cowpox also which and dermatitis also. So these three are the viral disease caused in the animal, that is the foot and mouth disease, pox and dermatitis. The second one is the bacterial disease. By the through the bacteria, the disease which occurs inside the organism is the rinderpest and anthrax. The third one is the fungi. The disease, just like the ringworm, is caused due to the fungi. Now we are going to discuss about the preventing methods and control. That how can we get rid of all these different type of disease? How can we control our domestic animals suffering from that diseases? So the first one is by the providing proper shelter to them. हम अपने domestic animals को proper shelter provide करेंगे जिससे कि वो obviously बीमारियों से बचे रहेंगे या फिर उनका जो immune system है वो अच्छा बना रहेगा. Second one is ensuring animals hygiene. हम लोग उसका frequent bathing और grooming करेंगे ताकि वो उसका हाइजीन मेंटेन हो. साफ सफाई की पूरी मैनेजमेंट देखेंगे हम लोग. एंड द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द डेड एनिमल्स. अगर एनिमल्स मर जाते हैं तो उनके डिस्पोजल के लिए भी प्रॉपर प्लेस होना चाहिए और एनिमल बेस्ट को रखने के लिए भी. और इस तरह का मतलब शेल्टर बनाएंगे जिससे कि बेस्ट जो है वो स्लोपी हो फ्लोर जिसका, जिससे कि वो मूव अवे हो जाए. और ऐसा प्रॉपर चैनल होना चाहिए वेस्ट को रिमूव करने के लिए. द थर्ड वन इज़ द पीरियोडिक स्क्रीनिंग ऑफ द एनिमल फॉर डिजीज एंड इमीडिएट आइसोलेशन ऑफ द डिजीज एनिमल. हम लोग प्रॉपर स्क्रीनिंग करेंगे. हमेशा नोटिस करते रहना होगा कि अगर आपके एनिमल्स में कुछ ना कुछ अलग सिम्टम्स तो नहीं दिख रहे हैं. अगर दिख रहे हैं, अगर कोई आपका एनिमल, कोई एक एनिमल सफरिंग हो रहा है, किसी न किसी डिजीज से सफ़र कर रहा है, तो फिर आप उसे क्या करोगे, पूरे ग्रुप में से आइसोलेट करके उसे अलग से एक मैनेजमेंट प्रोवाइड करोगे ताकि मे बी जो डिजीज़ है वो कम्युनिकेबल हो, पैरासिटिक हो. अगर एक्सटर्नल पैरासिटिक है तो एक बॉडी से दूसरे पे भी जा सकता है, अगर इन्फेक्शियस है तब भी जा सकता है. तो फिर इस तरह की चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बाय प्रोडक्ट मिले वो इतना इफेक्ट कंटामिनेटेड नहीं हो, इतना टॉक्सिकेंट नहीं हो, इसके लिए आपको क्या करना होगा, उस एनिमल को आइसोलेट करना होगा डिटेक्ट करके कि अगर उसमें कोई सिम्टम्स डिजीज़ वाली दिख रही है तो. ओके. So the fourth one is the providing proper diet and suitable medicines under the advice of a veterinary doctor. अगर हमारा एनिमल जो है, पेट एनिमल जो है, उसे हम प्रॉपर डाइट प्रोवाइड करेंगे, अगर उससे कोई डिजीज़ है तो उसे प्रॉपर मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, किससे, तो वेटनरी डॉक्टर के कंसल्ट से, जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं उनके कंसल्ट से. ओके. द फिफ्थ वन इज़ द हाइजीनिक हैंडलिंग ऑफ ऑल एनिमल प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट. जितना भी हम लोग उसे फीड करा रहे हैं या फिर उससे बाय प्रोडक्ट हमें एनिमल से जो भी मिल रहा है उसका
प्रॉपरली हाइजीनिक कंडीशन में, यानी पूरी सफाई के साथ उसका मेंटेनेंस करेंगे। अगर दूध है तो उसका पैकेजिंग होगा, अगर मीट है, चिकन है, एग है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स है गाइस, तो इन सबों का हम लोग प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन में स्टोर करेंगे और उसे हैंडल करेंगे। ओके, द लास्ट सिक्स वन इज द कंपल्सरी वैक्सीनेशन। अगर किसी टाइप का एनिमल है उसके किसी खास डिजीज के लिए वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में, देन गाइस डोंट फॉरगेट टू प्रोवाइड देम द वैक्सीन्स, क्योंकि वैक्सीनेशन बने ही इसी के लिए है, ताकि हमारे एनिमल्स को कुछ खास डिजीज से हमेशा मतलब क्या कह सके, प्रोटेक्ट कर सके, उन्हें बचा के रख सके। सो गाइस, कंपलसरी वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है डोमेस्टिक एनिमल्स का। अगर आपके पास कोई डोमेस्टिक एनिमल है तो उसके बारे में जो कंपलसरी वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है, किस किस चीज़ों का वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में, आप वो मंगवाइए और उन्हें वैक्सीनेट करवाइए। ये बहुत ही मस्ट और बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि आपको अपने कैटल्स को, अपने जो भी आपके डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, उनको आपको डिजीज़ रेसिस्टेंट रखना है। तो सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक। होप यू ऑल हैव लाइक दिस सेशन, एंजॉयड इट। आई थिंक कि कंप्लीट नॉलेज के लिए आप लोग अभी लास्ट तक मेरे साथ रहोगे या फिर लास्ट तक बने हुए हो, तो इस चीज़ की वजह से आप एक लाइक बटन प्रेस कर दो अगर आपको ये वीडियो का सेशन पसंद आया हो तो, एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर गेटिंग द लेटेस्ट नॉलेज एंड लेटेस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स अबाउट द बायोलॉजी। सो गाइज, डोंट फॉरगेट एंड डोंट मिस टू गोइंग ऑन माई चैनल एंड व्यूइंग द वीडियोज ऑफ द डिफरेंट टॉपिक्स, एंड advice to your friends, also share it with your friends and all your family members. Thank you so much for giving your love and attention to me. Thanks guys.